नमस्कार दोस्तों, गार्डन व्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका गार्डनर दोस्त। ये जो आप देख रहे हैं शिमला मिर्च का प्लांट है, देखिए कितना बड़ा शिमला मिर्च मेरे छोटे से टॉब में लगा हुआ है। आज मैं इस प्लांट के बारे में बताऊंगी और आप इससे कैसे ज़्यादा बड़ा या बहुत सारे फल पाएंगे, इसी के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड, अगर अब तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो की विषय में चलते हैं। फ्रेंड, ये कैप्सिकम है, शिमला मिर्च। देखिए इसका साइज़ देखिए कितना बड़ा है। इधर दो लगा हुआ है अभी। अब इधर कलियां है बहुत सारी, लगने वाला है अभी। देखिए एक प्लांट में कितना बड़ा शिमला मिर्च, दो लगा हुआ है और भी लगने वाला है। इसका जो राज है मैं वीडियो में बताऊँगी, आप वीडियो के अंत तक देखते रहिए। फ्रेंड, ये इसको मैंने सीडलिंग से लगाया है। ये देखिए, ये मैंने मेरा जो पॉट है, ये 9 इंच का पॉट है, इसमें लगाया है। देखिए इसका जो सॉइल है वो देखिए, मैंने इसका सॉइल में क्या लिया था, ये वेल्डन सॉइल है। मैंने इसमें लिया है 50% गार्डन सॉइल लिया है और 30% मैंने इसमें कोकोपीट मिलाया है और 20% इसमें मैंने काउडंक, मेरे पास डीकम्पोस्ट काउडंक है, वो मिलाया है, तभी ये प्लांट इतना मजबूत है और इतना बड़ा जो फ्रूट देख रहे हैं आप शिमला मिर्च का। देखिए कितना बड़ा साइज़ है इसका, ये देखिए मेरा हाथ से भी बड़ा है ये, और एक वो भी बहुत ही बड़ा है, अभी छोटा है, बड़ा होने वाला है। ये अभी हार्वेस्ट का टाइम इसका आ गया है, मैं कलर आने का टाइम में, अभी कलर जब आएगा तभी मैं इसको हार्वेस्ट करूँगी। फ्रेंड, शिमला मिर्च का जो प्लांट है इसको आप सनलाइट में रखेंगे तो आपको अच्छा फल देगा, और इसमें पानी दीजिएगा, और पानी तभी दे जब इसका जो ऊपरी जो मिट्टी है वो ड्राई हो जाए तभी। इसमें आप ख्याल रखें, इसका जो पॉट है इसमें पानी कभी भी ठहर ना जाए। पानी ठहरने से क्या होगा, इसका जो रूट है वो ख़राब हो जाएगा प्लांट का। इस प्लांट को आप सीड से भी उगा सकते हैं। ये जो शिमला मिर्च है उसका सीड रख देंगे तो अगले साल के लिए आप सीड से भी ये प्लांट उगा सकते हैं। ये प्लांट ऐसे भी बहुत ही उगाना बहुत ही कठिन काम नहीं है, आप घर पे ये प्लांट उगा सकते हैं। मेरा और एक प्लांट है, देखिए इसका जो मैजिक है मैं अभी बताऊँगी। देखिए इसमें कितना सारा ब्रांच है और सभी ब्रांच में बहुत सारा फ्लावरिंग हुआ है अभी। देखिए इस प्लांट को मैंने 3G कटिंग किया था। देखिए ये इसका, ये देखिए इधर से मैंने इसको कट लगाया था। 3G कटिंग क्या होता है, जिसको 3 मतलब के थर्ड, जी मतलब के जनरेशन। थर्ड जनरेशन से आप जो भी फल प्राप्त करेंगे या फूल प्राप्त करेंगे वो अच्छा क्वालिटी का होगा। देखिए मैंने इसका जो फर्स्ट ब्रांच था वो मैंने कट कर दिया था, उसके बाद जब सेकेंड ब्रांच निकला उसको भी मैंने 1.5 इंच होने के बाद कट कर दिया है। उससे बाद ये देखिए जितना सारा फ्लावर अब देख रहे हैं, अब इस पर फ्रूटिंग भी चालू हो जाएगा। ये देखिए जितना सारा फ्लावर देख रही है, वो थर्ड ब्रांच से है, मतलब कि सभी फूल को, फूल जब जो जितना सारा फूल है सभी फूल फल बनेगा। फ्रेंड, अगर आप बहुत सारा शिमला मिर्च पाना चाहते हैं तो 3G कटिंग करेंगे। ये 3G कटिंग जो है सभी प्लांट पे आप कर सकते हैं, फूलों के प्लांट से प्लांट में भी, फलों के प्लांट में भी। मैंने ये 3G कटिंग किया है इस प्लांट की, इसलिए कि आपको दिखाने के लिए, और मैं बहुत सारी इससे शिमला मिर्च भी पाऊंगी। देखिए इसका जो अगले हिस्सा है इसमें भी बहुत सारी कलियां और फूल है, सभी फूल फल बनेगा। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर नया वीडियो लेके मैं आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।